परफेक्ट कॉम्पिटिशन कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोर्ड की प्रॉब्लम है थोड़ी सी लेकिन पढ़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखो जो पूर्ण प्रतियोगिता है क्या ये समझ लेते हैं। मार्केट में अगर आप जाओ तो कई तरह की दुकानें होती हैं। मैं उन्हीं दुकानों के आधार पर समझा देता हूँ कि ये पूर्ण प्रतियोगिता है ना। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पूर्ण और प्रतियोगिता। पूर्ण का मतलब पूरी तरह से, परफेक्ट, और प्रतियोगिता मतलब कि प्रतियोगिता जैसे हाँ कॉम्पिटिशन, एक दूसरे में जो कंपटीशन होता है वही प्रतियोगिता कहलाती है। तो ये जो बाजार स्थिति है पूर्ण प्रतियोगिता, इसका मतलब है कि जो कई दुकानदार हैं उनके अंदर पूरी तरह से प्रतियोगिता है। और पूरी तरह से प्रतियोगिता है का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है। तो बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है उसको हम कुछ विशेषताओं के आधार पर बता सकते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में यही होता है कि पूरी तरह से कंपटीशन है, यानी कि बहुत सूक्ष्म बातों को लेकर के कंपटीशन है। तो वो अब उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ये होता है बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है, इसी को ही पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। तो इसको हम समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझ लें, तब हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या समझने इसकी विशेषताएं, विशेषताएं इसकी क्या है। देखो पहली बात तो यह है कि परफेक्ट का मतलब पूरी तरह से, तो पूरी तरह से का मतलब है बहुत सारे क्रेता और विक्रेता दोनों हैं, बहुत सारे क्रेता विक्रेता और विक्रेता, बहुत सारे क्रेता और विक्रेता, बहुत सारे, ऐसा नहीं एक दो तीन चार है ना। और दूसरी क्या है, समरूप वस्तुएं, क्या होमोजीनियस गुड्स है, समरूप वस्तुएं, समरूप वस्तुएं मतलब बिल्कुल एक समान, बिल्कुल एक समान वस्तुएं हैं, यानी उनके वजन, उनका शेप यानी आकार, उनके बनावट, उनका स्वाद, यहाँ तक कि जो रैपर है वो भी सेम, और जो कीमत है वो भी सेम, रंग वो भी सेम, यानी किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। अगर ये चौक है एक दुकानदार के पास तो सेम चौक दूसरे दुकानदार के पास, सारे दुकानदारों के पास वही है, ठीक है। से इससे तो समझ गया एग्जांपल से कि अगर यानी इसका जो शेप है, इसका जो कलर है, इसका जो रैपर है, जो इसका रंग है, सब एक समान सभी दुकानदारों के पास वही है ना। अगर ये बुक एक दुकानदार के पास है तो यही बुक यही राइटर की सभी दुकानदारों के पास, ठीक है ना। तो ये समरूप वस्तुएं हो गया। और तीसरा क्या है, तीसरा होगा कीमतें समान है, कीमतें समान है, कीमतें एक समान सबके पास। अच्छा जैसे 2 रुपए वाला पार्ले है तो 2 रुपए वाला पार्ले ही सबके पास है। अब 2 रुपए में कोई 1 रुपए 80 पैसे तो नहीं बेचता, कोई उसको 1.5 रुपए का तो नहीं बेचता, कोई 3 रुपए का तो नहीं बेचता है ना। और इसका मतलब है कि सभी ग्राहकों को, सभी क्रेताओं को बाजार की स्थिति पता है, बाजार का भाव पता है, यानी उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता में क्रेता विवेकशील है, उसको बाजार की हर स्थिति का पता है, किस दुकानदार के पास कौन सा रेट है,
और किस दुकानदार के पास कौन सी वस्तु कितना रेट सब पता है। अब इसमें देखो हर एक दुकानदार को अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। हर दुकानदार, कोई दुकान इसलिए तो नहीं खोला है कि हम समाज सेवा करेंगे, खोला है क्या इसलिए? या कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है तो इसलिए तो नहीं कर रहा है कि हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन का सीधा सा मतलब होता है क्या? लाभ कमाना है। क्या करना? लाभ कमाना। तो लाभ के ही उद्देश्य खोला है। तो हर एक दुकानदार, हर एक उद्योगपति, जो भी उद्योग चला रहा है, जो भी इंडस्ट्री चला रहा है, वो ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा लें। लेकिन अब देखो, जब सबके पास वही वस्तु है, सबके पास समरूप वस्तु है, फिर लाभ कैसे होगा? लाभ कैसे कमा सकते हैं? कीमतें भी सबके पास वही हैं, कीमतें भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति करेगा क्या? वो अपने व्यवहार से ज्यादा कमा लेगा। आप देखते होगे ना, वही वस्तु, वही कीमत एक दुकानदार के पास लाइन लगी रहती है, और वही वस्तु, वही कीमत दूसरा दुकानदार की मौनी तक नहीं होती। होता है ना ऐसा? क्यों? उसका व्यवहार, व्यवहार जिसका जैसा होगा वो उतना प्रॉफिट कमा पाएगा। तो उपभोक्ता विवेकशील होता है। ऐसे बहुत सारे वो हैं। और फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, यानी फ्री एंट्री एग्जिट। जो देखो मार्केट में, जैसे मान लो एक दुकानदार, चार पांच दुकानें चल रही हैं, तो एक दुकानदार अंदर आ भी सकता है, नया दुकान, नई दुकान खोल भी सकता है, और जो पहले से दुकान खोले हुए हैं वो अपनी दुकान बंद करके जा भी सकते हैं। तो ये जो है फ्री होता है, इसमें कोई ये नहीं होता है कि बंधन है, आप नहीं आके दुकान खोल पाएंगे, या आप दुकान एक बार खोल लिए तो बंद नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है? स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, फ्री आओ फ्री जाओ। और एक बात और है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो सामान लाने के लिए गाड़ियां लगाई जाती हैं, सामान ले जाने के लिए गाड़ियां लगाई जाती हैं, वो फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी जो लाने और ले जाने के लिए गाड़ियां इस्तेमाल की जाएँ, उसका कोई किराया नहीं देना पड़ता है, तो उसको हम ऐसे कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। ट्रांसपोर्टेशन फ्री, समझ जाना, ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। ये तो यानी जो भी सामान आएगा और जो भी सामान बाहर जाएगा उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, है ना? गाड़ियों वाड़ियों से जो आएगा जाएगा उस पर हम कोई चार्ज नहीं लगाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। और जो उत्पादन के साधन हैं उनकी पूर्ण गतिशीलता होती है, उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता का मतलब है जितने भी उत्पादन के साधन हैं वो सब पूरी तरह से काम में लगे हो, यानी कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं है, कोई भी मशीन बंद नहीं है, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति बंद नहीं है। और एक और कह सकते हैं इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति, इसी ही बात को, पूर्ण रोजगार की स्थिति। यानी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम मांग रहा हो और उसको काम ना मिला हो। यानी सभी लोग जो काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिला हुआ है, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इसी को ही हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएँ। अगर ये सब विशेषताएँ हैं तो हम उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता समझ के, जैसे आपके मार्केट में देखो एक ही वस्तु, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पार्ले बिस्किट का, है ना? पार्ले बिस्किट 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, दो वाले, तो ये जो है दोनों, कोई दुकानदार इसको कम में नहीं बेच सकता, कोई दुकानदार इसको कम में नहीं बेच सकता, ना तो ज़्यादा में बेच सकता,
बेचता है नहीं बेचता ना, अगर कोई कम में बेचता है तो दूसरा वाला भी कम करेगा, है ना, या वो उसको प्रतिबंधित कर देगा, ये अलग बात है। लेकिन कीमत सबकी सेम होती है ना, कोई इसमें बदलाव नहीं करता, लेकिन कोई उसी पे प्रॉफिट कमाता है और कोई केवल उसको एड ऑन के रूप में रखता है, यानी एक उसको विकल्प के रूप में रखता है कि अगर कोई किराने की दुकान पे बिस्किट सोच करके ही आएगा तो हम उसको रखे रहें कि वापस ना जाए, लेकिन कोई जो है उसी को ही बेच के प्रॉफिट कमाता है, इस ये क्या होता है व्यवहार होता है, तो इसी को ही पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, यानी पूरी तरह कॉम्पिटिशन है, ना तो आप कीमत में कमी कर पा रहे हैं और ना तो आप उसके वजन में कमी कर पा रहे हैं, ज़्यादा कर पा रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़्यादा करना है, तो यही जो है इसी को इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। अगर पूर्ण प्रतियोगिता ना होती तो हम इसको कीमत थोड़ी सी कम कर लेते चुपचाप, किसी को पता ना चलता और ज़्यादा बेच लेते, है ना, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे, कोई करेगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट ही कम मिलता है ना, तो इसी को ही पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दो।